नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेसिविल कॉन्ट्रैक्ट में। जो लोग हैं ठेकेदारी से अगर घबराते हैं कि इसमें बहुत झंझट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं वीडियो वही बना रहा हूँ जो मेरे से संबंधित है, यानी कि इसी ठेकेदारी से संबंधित है, लेकिन ठेकेदारी में भी ठेकेदारी का जो काम करते हैं उनके लिए है। कैसे? तो दोस्तों, अगर हमें एक JCB जो होती है, अगर इसका बिजनेस किया जाए तो यह बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, मैं कभी किसी से ये नहीं कह सकता कि सभी के लिए एक काम मतलब बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक काम अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो काम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग उसी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग से और अपने तरीके से काम करें, सोच विचार के काम करें, क्योंकि बिजनेस करना सभी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन मैं अपने अनुभव का एक ये उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि किस तरीके से JCB से आदमी कितना आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आप एक JCB का जो बिजनेस है इसको करना चाहते हो तो किस तरीके से करें? शुरुआत में जमाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इस बिजनेस को, और इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो आपके लिए पहले मैं बात करता हूँ थोड़ा प्रॉफिट की, तो किस तरीके से। तो दोस्तों, आजकल सभी JCB वालों ने क्या सिस्टम बना रखा है, अगर आप शुरू नंबर में JCB जैसे किसी को काम करवाना है तो चाहे आप 1 घंटे काम करवाओ, चाहे आप 2 घंटे काम करवाओ, लेकिन उन्होंने एक फिक्स रूल बना रखा है कि आपको 3 घंटे का पैसा देना ही होगा, चाहे आपका काम 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो। तो दोस्तों, अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि 3 घंटे का पैसा तो वो लेगा ही लेगा, अगर ज़्यादा काम है तो फिर वो मतलब वही घंटे के हिसाब से चालू हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम JCB को 1 घंटे के हिसाब से एवरेज मान के चलते हैं, तो आज के दौर में दिल्ली NCR की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 से 1500 रुपये 1 घंटे का चार्ज लेते हैं। अब दोस्तों, बात आगे बढ़ती है कि ये सोचना तो स्वाभाविक है कि हम इसको 8 घंटे से जोड़ दें, फिर 1 महीने से जोड़ दें, फिर इसको साल से जोड़ दें। अगर इसको साल से जोड़ा तो आपके पास बहुत सारे पैसों का वो दिखेगा आपको मोटा पेमेंट। लेकिन दोस्तों, ऐसा सभी के लिए नहीं होता है। आप इसको मिनिमम मान के चलें कि आपका खर्चा, आपका डीजल और आपका जो ऑपरेटर होता है उसका खर्चा, तो इनको लगा के अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर मैं मान के चलता हूँ एवरेजन 50% बचत होती है। दोस्तों, इसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ लगा के देखा जाए तो 50 से और 10% इसमें जोड़ दें तो इसके बाद में 60% खर्चा हो जाता है। बाकी रही बचत आपकी, कि आपकी 40% बचत अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बचत डिपेंड करता है अपने आपके काम के ऊपर, आपको इतना काम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा वो बता रहा हूँ फॉर्मूला कि आप किस तरीके से इसको काम करें। क्योंकि स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग क्या करें, सबसे पहले कार्ड छपवाएं, और ज़्यादातर जहाँ ये ठेकेदार लोग होते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करें, उनको अपना कार्ड दें। क्योंकि इस कार्ड आपको कैसे देना है, ठेकेदार आपको एक जगह कोई नहीं मिलेगा, या ठेकेदारों से संबंधित जितने भी आदमी होते हैं ठेकेदारी करने वाले, वो आपको एकत्रित कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको इसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूँ कि किस तरीके से आपको ठेकेदारों से कॉन्टैक्ट करना होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपना कार्ड ज़रूर बनवा लें, क्योंकि 1500 के जो कार्ड होते हैं वो बहुत बड़ी कीमत दे जाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप अपना कार्ड बनवा लें, और उसके बाद में आप जितने भी ठेकेदार हैं उनकी मेजोरिटी में रहें, उनके ग्रुप में जुड़ें, और उनके साथ में उठना बैठना आपका होना चाहिए। और उसके बाद में अब उनसे ऐसी जो पार्टियां होती है, क्योंकि ठेकेदार से ठेकेदार ज़्यादातर जो आदमी होते हैं वो मिलने वाले इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी एक लाइन होती है, तो उसी तरीके के आदमियों से मिलते जुलते ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आप ये काम भी कर सकते हैं कि ठेकेदारों की मेजोरिटी में रहें। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा मौका तो कम मिलते हैं, लेकिन आप क्या करें, जैसे कहीं साइडें चल रही है,
नई साइटें चालू होती हैं, कहीं कंपनियों में काम चल रहा होता है, वहाँ पे जो आदमी लगे होते हैं, किसी ठेकेदार ना मिले तो आप उनको जो सुपरवाइज़र होता है, इंजीनियर होता है, उनसे आप कांटेक्ट करें, उनको अपना नंबर दें, कार्ड दें और उनका नंबर ले लें और उनसे आप बीच बीच में कांटेक्ट करते रहें। दोस्तों, इस तरीके से ये बिजनेस आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। अगर ये बिजनेस दोस्तों चल गया तो मैं कहता हूँ 12 महीने के अंदर अंदर आपकी नई जेसीबी आपके द्वार पे खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, फिर वही ऊपर वाले की कृपा और उसकी अगर देनदारी होती है, अगर उसको कुछ देना होता है तो वो सारा कुछ करके एक साथ कर सकता है। अगर इसमें भी अगर कोई ऐसी हमारी अगर किस्मत में भी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कभी कभी कि हमें कोई सा भी काम कर ले उसमें भी घाटा हो सकता है, तो दोस्तों आप लोग सदा इस बात को अपने ऊपर विश्वास रखें, ऊपर वाले पर विश्वास रखें और अपना काम अपने तरीके से करना चालू कर दें। दोस्तों, सेकंड हैंड जेसीबी आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिल सकती है। पहली बात तो आपके एरिया में भी मिल सकती है, दूसरी बात आपको अगर बढ़िया जेसीबी कंडीशन में चाहिए तो बहुत सारे जेसीबी होती है वो लोन जो उठा के जो लोग लेते हैं और उनका लोन पूरा नहीं होता है, वहाँ से भी आप ये जेसीबी उठा सकते हैं। और आप लोगों से फिर मैं कहता हूँ कि आप इसका कैश में ना लेके, क्योंकि 8-10 लाख रुपए 15 लाख तक की जेसीबी सेकंड हैंड मिल जाएगी बढ़िया कंडीशन में, इसके लिए आप क्या करना चाहिए, फाइनेंस भी करवा सकते हो, क्योंकि वो लोग फाइनेंस भी आपको कर सकते हैं, क्योंकि नई जेसीबी बहुत महंगी होती है, तो नई के लिए पहले स्टार्टिंग करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों से ही काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक रोड रोलर जो होता है उसका भी आप काम कर सकते हो, वो भी आप पुराना लेकर के उससे भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।